नमस्कार, अली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ नियति। आप सभी को बता दूं, ये जो टॉक शो है इसको संचालित ईटू बेकरी कर रही है और आज के हमारे जो गेस्ट हैं सहजदीप सिंह, जो सिंगर भी हैं उसके साथ साथ शेफ भी हैं। पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं आज के टॉक शो में। थैंक यू सो मच मैम। सहज सिंगर हैं तो शुरुआत मुझे जहाँ तक लगता है एक सॉन्ग के साथ की जाए तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। जी जी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह तक ये तो सारी उतर जाएगी, सुबह तक ये तो सारी उतर जाएगी। तेरी नजरों से पी है खुदा की कसम, तेरी नजरों से पी है खुदा की कसम। उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, सखी तेरी आंखें सलामत रहें, सखी तेरी आंखें सलामत रहें, सखी तेरी आंखें, सखी तेरी आंखें, सखी तेरी आंखें सलामत रहें। थैंक यू। वाह, बहुत ही अच्छी आवाज, बहुत ही मधुर आवाज है। मुझे तो मजा आ गया, मन कर रहा है अभी ही पहले और गाने सुनूं। चलो बाद में सुनते हैं। कब शुरू किया था सहज सिंगिंग? हाँ, सिंगिंग मैंने 5 से 6 साल पहले, जब मैं 4th या 5th grade में होऊंगा तब। ओके, तो क्या बचपन से था कि मुझे सिंगर बनना है? गॉड गिफ्टेड था वोकल, बट पैशन मेरा था कुकिंग, शेफ का। बट जो गॉड ने दिया उसको भी मेरे को इम्पोर्टेंस देनी है, जो अपना पैशन है उसको भी, दोनों एक साथ लेके चल रहा हूँ अभी। बहुत। अभी कौन से क्लास में हो? मैं मतलब टेंथ जब ग्रेड आपने स्टार्ट किया था तब आप 5th में थे? 4th 5th में। फोर्थ में थे तो अभी 10th में हूँ अभी। वो बहुत छोटी उम्र में और इतना कुछ। वाकई यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो शेफ की क्या जर्नी है? शेफ की, जब मैं आई थिंक 5th 6th same grade में था, तब मम्मा को देख देख के एक इंटरेस्ट, कुकिंग का इंटरेस्ट। क्या आप तब फूडी थे? बहुत। फूडी तब नहीं था, पर अब हो गया हूँ। अब हो गया। अब तब का मुझे याद नहीं, पर अब मैं हो गया हूँ बहुत अब हो ज़्यादा, गया। जब से पूरी थिंकिंग आई है माइंड में। सबसे पहले क्या बनाया था? ऑमलेट। एग ऑमलेट। हाँ, ओके आई थिंक सो। यहाँ पे स्कार भी पड़ा हुआ है, वो गिर गया था यहाँ पे सीधा बनाते ओके। बनाते। यस, तो कितना अच्छा लगता है कुकिंग करना? कुकिंग करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब फ्री टाइम में अपने इनोवेशंस, कुछ भी, किसी भी चीज़ को इधर उधर करके, नई इनोवेशंस करके उसको रिप्रेजेंट करना। कुकिंग कहाँ से सीखी? मम्मी से सारी डिशेस सीखी है, यूट्यूब से? आधी मम्मा से, आधी खुद, आधी यूट्यूब, हर जगह खुद से। कैसे? खुद इनोवेशंस बोल रहा हूँ ना, जैसे ओके। कोई यूट्यूब से कोई भी डिश है, अगर उसमें मेरे पास कोई ये चीज़ नहीं है, मैं अपनी तरफ से कोई और डाल रहा हूँ, तो वो क्या बनती है वैसे। एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे कौन कौन सी डिश पे एक्सपेरिमेंट किया? एक मैंने किया था बिरयानी पे, जिसपे कुछ चीज़ें डालनी थी वो मैंने अलग डाल दी थी, फिर उसको बहुत सारी बनी कैसी हो? बहुत अच्छी, क्या रिव्यू मिले घर वालों से? अच्छे अच्छे बहुत अच्छी ऑब्वियस घर बनी। वालों ने खाया होगा। हाँ, घर वालों ने, एक मेरे पास कंपटीशन भी था, वहाँ पे भी मैंने वही बिरयानी ओके। बनाई थी और मैं फर्स्ट था उस कंपटीशन में। कौन सा कंपटीशन था वो वो? था शेफ नाइट्स। वेरी गुड। तब जी, कौन से स्टैंडर्ड में थे? 9th 8th 8th। स्टैंडर्ड में। 2 साल पहले बात है। सेशन 2021 होगा, आई थिंक ट्वेंटी ओके, टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ग्रेट यार, बहुत और थैंक यू। पछाता है आपको तो। फिर तो पैशन है? कुकिंग, हाँ। हाँ कुकिंग पैशन है। तो क्या बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़े होकर फिलहाल अभी मैं सोच रहा हूँ कि होटल मैनेजमेंट करके अब्रॉड से फिर उसी लाइन में जाया जाए। तो फिर मतलब मास्टर शेफ बनना है। शेफ बनेंगे, मास्टर हमारी शेफ। हमारी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है थैंक यू कि थैंक आप यू। जरूर शेफ बने, और खासकर मास्टर शेफ जी संजीव कपूर की तरह। हाँ, उनसे बड़ा, उनसे मतलब कि हाँ, इस समय हाई लेवल पे तो वही है हाँ ना, संजीव तो कपूर, फिर कुणाल उस कपूर, टाइम पे नाम आएगा सहजदीप सिंह, सहजदीप, मास्टर हाँ शेफ, है ग्रेस ना? ऑफ द गॉडेस। गेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। अच्छा, डोगरी सॉन्ग आता है क्या कोई? हाँ डोगी सॉन्ग भी आता है। हमें सुनाए, हमें क्या, हमारे व्यूअर्स को भी सुनाए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि एक सिंगर है और उनके बातचीत में गाना ना हो तो मज़ा नहीं आता, और डोगरी तो वाकई। जी ठीक है। माहे नी मेरी है शिमले दी राहें, चंबा कितनी क दूर, चंबा कितनी क दूर, शिमले नी बसना वसोली नी बसना, शिमले नी बसना वसोली नी बसना, चंबे जाना जरूर,
चंबे वसना जरूर, माए नी मेरी ऐश मिले दिरा है, चंबा कितनी के दूर, चंबा कितनी के दूर। थैंक यू। इसमें तो और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, क्या वो भी आते हैं? नहीं अभी रिमेम्बर नहीं कर पा रहा मैं। नहीं, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, ठीक माए नी मेरी है। और है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला मधुर आवाज है और बहुत ही सुरीली आवाज है, मजा आ जाता है। मन ही नहीं कर रहा कि सहज को बोले कि बस कर जा, थक गए हम तेरे गाने से, है ना? वेरी नाइस। तो बचपन से गाते थे? बचपन से जब कोई रिलीजियस हमारे कोई भी इवेंट्स होते थे तब मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करता था, जैसे हारमोनियम में पार्टिसिपेट करना, उससे हमारे मतलब मेरे स्वर राग बने। फिर उसके बाद आगे आगे इवेंट्स आते रहे, फंक्शंस में, वेडिंग्स में, उसमें करना, इवेंट्स में जैसे होटल्स में इवेंट्स होने वहाँ ओके, पे। उसके बाद आस्ता 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 अब वोकल यहाँ तक है। आज वोकल यहाँ तक है। बिल्कुल। क्या कोई अपना गाना लिखा अभी तक? नहीं लिखा नहीं है अभी तक, अभी तो कॉपी चल रहा है, कॉपी बट राइट। जल्दी ही लिखो, हाँ जल्दी। जब कुछ स्टेज ऐसा मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी तब मैं ज़रूर कोशिश और क्या क्या करूँगा। करते हैं आप फ्री टाइम में? जैसे फ्री ये टाइम में डांस भी करता हूँ, मेरी हॉबीज़ ट्रैवलिंग भी है, ट्रैवल भी करता हूँ। अभी तक कहाँ कहाँ ट्रैवल करके आए हैं? ट्रैवल आई थिंक पंजाब हो गया है, चंडीगढ़, अब्रॉड भी एक बार हो गया हुआ है, मतलब यहाँ जम्मू कश्मीर को पूरा ही घूम लिया है। कोई जगह नहीं छोड़ी जम्मू ना में। वेरी ना नाइस, पंजाब हो गया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और वैसी बात है, जिनको ट्रैवलिंग पसंद होती है ना, वो जगहें नहीं छोड़ते, वो घूमते ज़रूर है। मी टू, आई एम। ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी लगती है, बट क्या करें, जब ऑफिस टाइम होता है हम जा नहीं सकते। जी एग्जैक्टली। और फेवरेट डिशेस क्या क्या है? फेवरेट नॉन वेज ज़्यादा है, अच्छा, साथ में डेजर्ट्स साथ। डेजर्ट्स। तो कुकिंग में भी मतलब कि ज़्यादा ही बनाना पसंद है या वेज भी? वेज जब कोई गेस्ट वेजिटेरियन हो तब मुझे अपने कुछ स्पेशल जैसे डेजर्ट्स ही बनाता हूँ। जब कोई वेज वेजिटेरियन कोई डेजर्ट्स में गेस्ट हो, क्या बनाना आता डेजर्ट्स में कैजुअल एक्सेप्ट बेकरी प्रोडक्ट्स है? जैसे अच्छा, केक वगैरह वो नहीं, बाकी जो कैजुअल है कस्टर्ड्स आइसक्रीम्स वो वाह, सब। मतलब बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सब कुछ घर पे ही बन जी जाता जी है जी ना? तो कितना अच्छा लगता है जब कुकिंग करते हो? हाउ यू फील? अच्छा बहुत लगता है, एप्रिसिएशन भी बहुत मिलती है। सबसे पहले जब पहली बारी कुकिंग की थी, उसका एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस तब अच्छा था, मतलब अब के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। जब भी कोई फ्री टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर कुकिंग करता हूँ, क्योंकि मतलब एक अंदर से होता है कि हाँ फ्री टाइम है अब कुकिंग करें, चाहे घर में अच्छा, हो या ना हो कोई, अरके हाँ बस करके खा लिया खुद खा और लेना हाँ है। बस। मतलब घर में हो तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना, अगर अकेला हो तो फिर बस खा के बना के खा तो लिया। फैमिली में कितने पर्सन है? मेरे एक और सिबलिंग है और दो मम्मा पापा पेरेंट्स। तो मतलब कि आप उनके लिए भी बनाते हो, तो मम्मी को तो फायदा होता होगा ना कि सहज ही रोटी बना देता है, तो मैं बस 60-40, सिक्सटी 60 फोर फायदा 40 नुकसान। वाई नुकसान ये गंद पड़ता है बहुत किचन में, थोड़ा वो बिजी शेड्यूल होता है उनका तो थोड़ा गंद पड़ता है, फिर थोड़ा पता है आपको। एग्जैक्टली। मेरे साथ भी होता है बड़ी भाई। क्योंकि हम लोग, हमारी आदत होती है जो चीज़ ली वो डाल बस दी, डाल दिया उसको वहीं पे रख दिया, वही कोई रख दी। सेटल नहीं किया कुछ नहीं। तो फिर तो ये आप गलत करते हो मम्मी के अब लिए, जैसे जैसे बड़ा होंगे वैसे वैसे थोड़ा सफाई का भी। सफाई हाँ करें। तो जी आपकी, आपको पसंद कुकिंग तो है, तो सफाई ही नहीं पसंद है? सफाई पसंद है, बट थोड़ी वो होती है लेजीनेस होती है सफाई करने में। है पसंद है सफाई, मतलब जैसे कोई भी यूटेंसिल्स हुए उसको मैं डिश वॉश कर लिया, अगर थोड़े आसान है जिसे जिसमें ज़्यादा वो ना हो वो कर लिया, बाकी तो फिर आपको पता है लेडीज़ करनी, लेडीज़ को करना एक और बार हो, मतलब जैसे मैंने कर दिया पसंद नहीं आया फिर अब वो आप इसे नहीं, एक और बार करेंगे। फिर वो आपने सही नहीं ना किया होगा, मम्मी तभी हाँ कर वही रही। ना, इतना वो नहीं बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और क्या क्या आता है गाने में? और कौन कौन सा आता है? आपने हमें डोगरी गाना सुना दिया, जी आपने एक हमें पहले एवे रुसिया ना कर जो गाना था वो भी सुना दिया। और हाँ कौन कौन से, किस किस के सॉन्ग आप गाते हो? मैं एक और गा लेता हूँ, वो है आओ हजूर तुमको सितारों में ले चलूँ। सुनाइए। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूँ, दिल झूम
मजा ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। वाह यार, क्या बात है, क्या बात है। कभी बाहर मेन जगहों पे, जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जाकर कभी परफॉर्म किया, हाँ किया है, वहाँ से पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स रहा? काफी अच्छा। काफी अच्छा, मतलब क्या कहा उन्होंने? काफी अच्छा तो था, क्या बोलते हैं एक वो? वो होता है ना एप्रिसिएशन, एक मिलती है शूटिंग से, हाँ, एक वो एप्रिसिएशन, एक होती है किसी से फेस टू फेस एप्रिसिएशन, दोनों दोनों मिली हैं। मिली है। हाँ तो पढ़ाई कौन से स्कूल से चल रही है? केंद्रीय विद्यालय केवी नंबर केवी। वन गांधीनगर। ओके, तो वहाँ पर भी कोई ना कोई प्रोग्राम्स होते होंगे, को करिकुलम एक्टिविटीज में तो आप सब में एस पार्ट लेते जी होंगे। हाँ सब में। तो टीचर्स के तो फिर आपको, मुझे लगता है कि फेवरेट स्टूडेंट हो गया आप, हाँ है? सिंगिंग तो सिर्फ सिंगिंग ही करते हो या पढ़ाई भी करते हो? भी, पढ़ाई भी, कुकिंग भी, ये सब कुछ मैनेज मैनेज। करना देखो कैसे? 6 घंटे स्कूल, हाँ ठीक है, उसके बाद 1-1.5 घंटे की रेस्ट मिलती है, फिर ट्यूशंस, फिर शाम में सिंगिंग और कुकिंग। अच्छा, दोनों हाँ चीज़ तो हाँ सब कुछ मैनेज कर लेते हो तो एग्ज़ाम टाइम्स में। एग्ज़ाम में फिर मैं थोड़ा सा उसको सिंगिंग को नहीं ब्रेक देता, कुकिंग को दे देता हूँ। सिंगिंग तो ऐसे चलते फिरते गुनगुनाते हो जाती है, कुकिंग को पर्टिकुलर टाइम तो चाहिए। सिंगिंग जब आप करते हो तो कोई टूल के साथ नहीं करते, लाइक गिटार, हारमोनियम? गिटार हारमोनियम मुझे आता है, बट यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडियो नहीं है जहाँ पे मैं सीख पाऊँ। मेरे कज़न थे, उन्होंने मुझे सिखाया था, बट वो अब एब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं, तो वो भी नहीं है कि जिससे मैं कर पाऊँ। ऐसे मैं यूट्यूब में कारोक वगैरह लगा लेता हूँ स्पीकर्स में, तो तब मैं कर लेता हूँ आराम से। बहुत बड़े बहुत, मतलब ये हारमोनियम भी चलाते हैं, सिंगर तो है ही है। पर मैं चाहूंगी आपसे, हमने डोगरी गाना भी सुन लिया, आओ हजूर हिंदी भी सुन लिया, एक कवाली हो जाए जाते जाते। ठीक है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। ये किसकी कवाली थी? नुसरत आतिफ अली फतेह अली खान। वाह मिस्टर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगी कि आप ऐसे ही ऊंचाइयों को छूते रहो और आगे बढ़ते रहो और नए गाने गाते थैंक यू रहो, सो मच। क्योंकि आपकी वॉइस, मैंने शुरुआत में भी बोला, मैंने बीच में भी बोला, मैं अंत में भी यही कहूंगी कि इनकी इतनी मधुर आवाज़ है, मेरा मन तो नहीं कर रहा इनको अलविदा देने का, पर चलो समय की कमी होने के कारण इनको अलविदा भी देना पड़ेगा। सहज ऐसे ही आप ऊंचाइयों को छूते रहो, और बहुत थैंक अच्छा यू, लगा आज आपसे बातचीत करके, और आपके खासकर सॉन्ग सुन के तो मैं मन खुश हो गया, और मुझे लगता है कि कोई टेंशन या जो थकान थी वो भी खत्म हो गई है। तो कोई ना, हम आपको फिर आपसे जल्द ही मिलेंगे, और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, और मैं फिर आपको इस टॉक शो में बोल रही हूँ कि अगर ये छोटा सा बच्चा इतने कुछ कर सकता है तो आप लोग भी कुछ कर सकते हो। आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है, ज़रूर अपने टैलेंट को बाहर निकाल के लाएं, एक ना एक दिन आपको प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलेगा। और ऐसे नए और टॉक शो के लिए बने रहे अली पोस्ट के साथ। नमस्कार।